किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? तो आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2017 जीता, यानी कि एशिया कप 2017 का विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत। और एशिया कप 2017 का उप विजेता कौन है? तो मलेशिया। और एशिया कप 2017 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्रणाली मोशन स्वीकार करने वाला पहला राज्य है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों, ऑनलाइन प्रणाली जिसका नाम मोशन है उसे स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2017 का मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज सॉन्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 फीफा अंडर 17 का विजेता कौन बना? तो दोस्तों, 2017 फीफा अंडर 17 का विजेता इंग्लैंड बना, और उप विजेता स्पेन बना, और आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एफबीआई का प्रमुख किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी? किस शहर में देश की पहली हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा शुरू करेगी? तो आंसर हो जाएगा बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की पहली सोलर पैनल सड़क बनी है? किस देश में विश्व की पहली सोलर पैनल सड़क बनी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। किस देश में विश्व की पहली सोलर पैनल सड़क बनी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अपनी गड्डी अपनी रोजगार शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने अपनी गड्डी अपनी रोजगार शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है ना हुआ तेंग जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल चैलेंज गेम क्या है? 300 जगह वीडियो गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय लाइन इतनी तीव्र मिशन इंद्रधनुष लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह घोषणा किया था कि मिशन यानी कि लाइन इतनी तीव्र मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 2017 का महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और उप विजेता कौन बना था? तो भारत। और इसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर वाणी ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण। सागर वाणी ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय मेट्रो जिसने मोबाइल टिकट प्रणाली शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना पहला डिजिटल शाखा कैंडी की शुरुआत की है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, थोड़ा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल शाखा कैंडी का शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा केनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, आईफा 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा निर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पोलियो मुक्त घोषित किया गया? यानी कि दोस्तों, ये क्वेश्चन 2017 का है, 2017 में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सोमालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का जी सेवन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा इटली में। और 2017 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ध्यान दीजिएगा, दोनों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग किस देश में बनाई गई? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मेट्रो रेल को
किस भारतीय मेट्रो रेल को विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, किस भारतीय मेट्रो रेल को विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक धरोहर वाला शहर। दोस्तों भारत का पहली वैश्विक धरोहर वाला शहर कौन बना, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया या किसे बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2017 का पुरुष खिताब किसने जीता, विंबलडन 2017 का पुरुष खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2017 का महिला खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा गरवाइन मुरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द मेकिंग ऑफ लीजेंड के लेखक कौन है, पुस्तक द मेकिंग ऑफ लीजेंड के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक टावर कहाँ बनाया गया, भारत का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक टावर कहाँ बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सवा करीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इन्फेक्ट वाला पहला ट्रांसपेरेंटी वॉकवे ग्लास ब्रिज कहाँ पर खोला गया, तो आंसर हो जाएगा चीन में। दोस्तों स्पेशल इफेक्ट वाला पहला ट्रांसपेरेंसी वॉकवे ग्लास ब्रिज कहाँ खोला गया, तो आंसर हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2017 में किस भारतीय अभिनेता को पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा सोनू सूद। दोस्तों ये था आज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों क्यूज का टाइम है 8 से 9, तो आप लोग क्यूज में भाग जरूर लें। क्यूज का टाइम हो गया है 8 से 9, रात्रि 8 से 9, तो आप ध्यान रखें और क्यूज में जरूर भाग लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।